टेंशन में हाँ सॉरी एक मिनट कट करते हैं खुश। तो मैं टेंशन में बहुत हूँ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को हाँ फिर से हाँ मैं टेंशन में हूँ क्योंकि सॉरी अभी फाल्गुनी बहुत टेंशन में है क्योंकि उसे सुयश को सच बताना है दैट शी कांट बी अ मदर एवर और वो कभी फैमिली कंप्लीट नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं कि एक बच्चा है तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो वो बहुत ही गिल्ट में है कि कैसे बताएं और बहुत परेशान है। लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करने जाती है कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने हस्बैंड को बता पाऊँ, सुयश को बता पाऊँ। और वो चिट्ठी लिखती है जो वो सुयश को देना चाहती है। तो अभी ऐसा है और उसके बाद मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, चिट्ठी दे के चली जाती हूँ। और ऐसा कुछ होता है जहाँ पे मुझे एक डॉक्टर मिलती है और वो मुझे बताती हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू एंड यू कैन बी अ मदर। सो मैं वापस आती हूँ घर पे और मैं बहुत खुश हूँ और बस हम खुश हैं। फिर उसके बाद फाल्गुनी खुश हो जाती है। घर में एक छोटी सी बच्ची आई है, उसका कौन सा सीन है, क्या चल रहा है वैसे? जो बच्ची है एक्चुअली, तो मैं जब अपने कान्हा जी से प्रे कर रही हूँ तो बच्ची मुझे पीछे से आके हक करती है और बोलती है माँ। तो एक सिग्नल होता है कान्हा जी का एक्चुअली कि रिलैक्स मेरे बच्चे, तुम्हें माँ बनने का सुख ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो मैं तब पहचान नहीं पाती हूँ और तब वो आती है और मुझे लगता है कि कान्हा जी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मतलब कि एक्चुअली वो बच्ची ऐसी होती है कि उसको लगता है कि मैं उसकी मम्मा हूँ क्योंकि उसकी मम्मा ने भी आज ऐसी साड़ी पहनी होती है ऐसी कलर की। तो बस यही सीन हुआ है। और पर लग रहा है सासू माँ पीछा छोड़ेंगी इस तरह इतनी आसानी से, मतलब आपको माँ बनने देने वाली है? हाँ वो तो नहीं छोड़ने वाली है, पर उत्तरा जी को अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे ऑपरेट नहीं किया गया था। तो वो जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा, वो पता नहीं क्या होगा, तब वो चलेंगी चाल अपनी, अभी तो शी इज़ रिलैक्स्ड। अच्छा लास्ट फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बहुत ही लाइट मोमेंट्स और अच्छे फाल्गुनी सुयश के सीन्स आ रहे हैं। सो यू कीप वॉचिंग जी जी मॉन स्टार भारत। थैंक यू। क्लोज क्लोज पे डाल, एक बार आना बच्चा, एक बार बेटा बोले तो वाइट वाइट भी रोल करना है अविनाश। माफ करना बहू रानी, ये क्या करिए, माफ करना बहू रानी,
ये हमारी नातिन है, आज इसकी माँ ने सवेरे आप जैसी साड़ी पहनी थी, मेरा मतलब आपके रंग की साड़ी पहनी थी, तो इसे शायद लगा कि इसकी माँ है। आज इसकी छुट्टी थी ना स्कूल की, तो इसे मैं अपने साथ ले आया। बहू रानी माफ़ करना अगर इसने आपको तकलीफ दी। चल तो वाइट वाइट भी रोल करना है अविनाश। एक्शन।
सकता हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।